शादी का सीजन है, शॉपिंग भी करनी है और कोरोना का भी डर है। ऐसे में आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिग ब्लिस है आपके साथ। अभी डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप और सिर्फ 10 मिनट में पाए अपना सारा सामान। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। हफ्ते भर के कारोबार के बाद खाने वाले तेल की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। घरेलू मार्केट में खाने वाला तेल सस्ता हो गया है। विदेशों से आयात किए जाने वाले सोयाबीन डीगम, सीपीओ और पामोलिन तेल की कीमतों के महंगे होने से देश भर में तेल की कीमतों में गिरावट आई है। इसके अलावा आयातित तेलों की कमी को पूरा करने के लिए सरसों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी वजह से सरसों और मूंगफली तेल, तिलहन और बिनौला तेल की कीमतों में मजबूती आई। बाजार सूत्रों ने बताया कि विदेशों में बाजार नहीं टूटे हैं और वहां खाने वाले तेल के भाव मजबूत बने हुए हैं। पामोलिन और सोयाबीन डिगम जैसे तेल के आयात में भी नुकसान है। एक तो इन तेलों के दाम महंगे हैं, दूसरा आयात के मुकाबले स्थानीय बाजार में इन तेलों के भाव नीचे चल रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि आयातित तेलों के महंगा होने के कारण सरसों पर काफी दबाव है और हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश जैसे कई राज्यों में सरसों का रिफाइंड बनाकर आयातित तेलों की कमी को पूरा किया जा रहा है। इस सरसों रिफाइंड का इस्तेमाल अन्य तेलों में ब्लेंडिंग के लिए किया जा रहा है। मंडियों में सरसों की आवक भी कम होने लगी है और यह घटकर लगभग 3.5 लाख बोरी रह गई है, जो पिछले साल जून के आरंभ में लगभग 5 से 5.5 लाख बोरी थी। यह स्थिति सरसों के लिए अच्छी नहीं है और बरसात के मौसम में मांग बढ़ने के बाद सरसों की दिक्कत देखने को मिल सकती है। बरसात के दिनों में लगभग सभी खाद्य तेलों की मांग बढ़ने लगती है, इस ओर सरकार को ध्यान देना होगा। सरसों पर दबाव होने के बारे में सूत्रों ने कहा कि एक ओर तो सरसों में मिलावट बंद है, दूसरा मंडियों में अब आवक कम हो रही है। सरसों रिफाइंड तेल का इस्तेमाल ब्लेंडिंग के लिए भी हो रहा है। सूत्रों ने कहा कि पिछले साल के मुकाबले इस बार सरसों की खपत लगभग 3 गुना अधिक है। सूत्रों का कहना है कि पिछले हफ्ते के मुकाबले बीते सप्ताह सरसों दाने का भाव 25 रुपये सुधर कर 7,440 से 7,490 रुपये क्विंटल पर बंद हुआ। सरसों दादरी तेल 250 रुपये सुधर कर समीक्षाधीन सप्ताहांत में 15,100 रुपये क्विंटल पर बंद हुआ। सूत्रों ने बताया कि समीक्षाधीन सप्ताह में सोयाबीन के डिओल्ड केक की मांग प्रभावित होने से सोयाबीन दाने और सोयाबीन लूज के थोक भाव 50 रुपये की गिरावट के साथ 6,750 से 6,850 रुपये क्विंटल पर बंद हुए। गिरावट के आम रुख के अनुरूप समीक्षाधीन सप्ताह में सोयाबीन तेल की कीमतों में नुकसान देखने को मिला और ये नुकसान के साथ बंद हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। फ्रेश दूध और सब्जी के लिए अब घंटों इंतजार नहीं, बिग ब्लिस पर ऑर्डर करें और 10 मिनट में पाएं अपने घर फ्रेश दूध और सब्जी। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान।